मैं आज एक ऐसी हस्ती के साथ बैठा हूँ, आज यकीनन मैं बहुत नर्वस हूँ कैमरे के सामने बात करते हुए। आप मुझे अगर कोई गलती होती है तो मैं माज़रत करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ सोहेल वड़ाइच साहब की। एक दिन जियो के मारूफ मेज़बान हैं आप, और साथ आप जंग में भी लिखते हैं। सोहेल वड़ाइच साहब से बात करते हैं, पूछते हैं कि ये सफ़र जो शुरू किया था बाहर से और स्क्रीन पर आने का फैसला किया, और स्क्रीन पर क्या है कि आपने पूरी जो सुबह मॉर्निंग शो है जहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज़ आते हैं उनको आपने मात दी, और साथ ही आप लोग अगर हम में से आप अपने पसंदीदा पर्सनालिटीज़ की अगर बेडरूम में गए हैं या बाथरूम में आपने देखा है तो वो भी सोहेल वड़ाइच साहब की ज़रिए ही मुमकिन हुआ है। सोहेल वड़ाइच साहब से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। लिखने की अमल से स्क्रीन तक जाने का जो ये सफ़र है जिसमें आपने बड़े बड़े खूबसूरत एंकर्स को शिकस्त दे रखी, इसके पीछे क्या राजकार फरमा है? पहले तो यह है कि किसी को शिकस्त नहीं दी, मैं तो कतार में सबसे पीछे खड़ा हूँ। और बाकी बात यह है कि जहाँ तक आपने बात की तहरीर से स्क्रीन तक का जो सफ़र है, मेरा ख़्याल है कि बस समझने की ज़रूरत है। ये तख्लीक, हर चीज़ में तख्लीक है। अगर आप तहरीर करते हैं तो वो भी तख्लीक का नतीजा है, अगर आप उसको समझें। और अगर स्क्रीन पे आते हैं और उसमें भी तख्लीक से काम लें, या मैं पेंटिंग को, शायरी को, अदब को, अफसाने को, नावल को, मैं सबको इनको इजहार का एक ज़रिया समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वंस आपको इजहार करना आ जाए तो फिर आप किसी भी फ़न में जो है वो जा सकते हैं जिस में आपका मिजाज भी आपका साथ दे। एक कैमरे के बग़ैर सवाल करने वाला साहबी कैमरे के सामने लोगों के पसीने छुड़वा देता है, इसकी क्या राज है इसके पीछे? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं तो एक, मैं जिससे भी इंटरव्यू करता हूँ, मेरा इंटरव्यू ही और मैं, हम दोस्त होते हैं। मैं किसी पे हमला आवर नहीं होता। आप देखें कि नफ्सियाती तौर पर अगर आप मुक्का लहराएं तो अगला बंदा मुदाफियाना अंदाज इख्तियार करता है, लेकिन अगर आप उसका मुंह थपथपाएं, उससे प्यार करें, उससे मुसाफिया करें, उससे मुआनका करें, उसको अपना दोस्त बनाएं, तो वो अपने दिल की बात भी आपसे कर लेता है। तो मेरा अंदाज़ दोस्त वाला है, मेरा अंदाज़ एक राजदार वाला है। तो मैं एक राजदान की हैसियत से उससे दोस्ती करता हूँ इंटरव्यू के दौरान, और उससे उसके दिल की बातें पूछता हूँ और लोगों तक पहुँचाता हूँ। मेरा मकसद किसी को नीचा करना, किसी को छोटा करना, किसी को लाजवाब करना, ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो जवाब दें, और अपनी जो भी उनकी दलील है उसको आना चाहिए सामने। आपको ख्याल कैसे आया इस प्रोग्राम के करने का? सर ये है कि मैं पहले प्रिंट जर्नलिज्म में था, तो मैं एक प्रोग्राम करता था एक दिन सियासतदान के साथ, और वो इसी तरह का प्रोग्राम था कि उसमें तस्वीरें होती थीं। मैंने मसलन दो बड़े मशहूर प्रोग्राम किए उस ज़माने में प्रिंट में, मलिक कासिम के साथ और नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के साथ, कि नवाब साहब पान खा रहे हैं उसकी तस्वीर, नवाब साहब खाना खा रहे हैं, आम चूस रहे हैं, सॉर्ट ऑफ इस तरह की जो था वो। सिर्फ उस वक़्त कैमरा नहीं था हमारे पास, अदरवाइज़ वही सब कुछ किया हमने जो अब करते हैं। वो रोमन टोपी पहनते थे, टर्किश टोपी जिसको कहते हैं हम, तो वो कहाँ से आती हैं, उसकी कीमत कितनी है, फलाना, मतलब इसी तरह का बिल्कुल प्रोग्राम था जो कि फाइलों में मौजूद है। वो ये प्रोग्राम तो शुरू हुआ है 2002 में, ये 1990 की बात। 1990 अब अखबार में, अखबार में ये काम करते थे। आपने इश्क तो किया होगा ना? इश्क के बगैर इंसान नामुकम्मल है। इश्क को होना चाहिए, काम से इश्क, लोगों से इश्क, ख्वातीन से इश्क, बीवी से इश्क, बच्चों से इश्क, ये सारा ज़िंदगी का हिस्सा है। कौन है जो इससे इनकार कर सकता है? आप बलूचिस्तान आए हैं, कैसा लगा बलूचिस्तान आपको? बलूचिस्तान बड़ा, बहुत ही खूबसूरत है, लोग भी बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है हमारी तवज्जो कम है यहाँ। जो फेडरेशन है और जो ख़ासकर पंजाब के लोग हैं,
उन्हें एक तो टूरिज्म के लिए भी यहाँ आना चाहिए, और दूसरा ये पाकिस्तान का भाई है, चारों अगर हम भाई हैं तो यहाँ विज़िट भी होना चाहिए। पहले सड़कें नहीं थी अच्छी, अब सड़कें अच्छी बन रही हैं तो लोगों को विज़िट करना चाहिए। सर्दियाँ गर्मियाँ यहाँ सारे मौसम इन्जॉयबल हैं, उनमें आना चाहिए। आप मुख्तलिफ इलाकों में गए, रात को आपने देखा जो आप लाहौर में बैठ के, पंजाब में बैठ के जो आपकी एक राय थी, अब उसके बाद क्या वो बदल गई है या? जी नहीं, बेहतर हुई है मेरे क्वेटा के बारे में। एक तो मुझे ये लगा यहाँ के जो लोग हैं बड़े फ़न लविंग हैं। दोपहर को, रात को मैंने देखा लोग रेस्टोरेंट्स पे कतार अंदर कतार बैठे हुए हैं, और उनमें क्लास की भी जो है वो नई डिस्टिंक्शन मैंने देखी। गरीब भी बैठे हैं, अमीर भी बैठे हैं, और लंबी बैठे गप्पे लगा रहे हैं। यहाँ मुझे लगा कि लोग बड़ी आपस में गुफ्तगू बहुत करते हैं, और खाना खाते हैं बड़े शौक से, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो कुछ थोड़ी सब्जियां भी खाएं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं कल ज़्यारत भी गया था, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे होटल्स बनने चाहिए, वहाँ लोगों के रहने का इंतज़ाम होना चाहिए, और सड़कें बेहतर होनी चाहिए ताकि सर्दियों में भी लोग वहाँ जा सकें। आपने जब से प्रोग्राम शुरू किया है, 18 साल तकरीबन होने को है, कितने इंटरव्यू किए आपने बलूचिस्तान के लोगों को? बहुत कम, और बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत कम किए हैं। नवाब अकबर बुख्ती साहब का किया था, अभी दो किए हैं, और मीर जफरुल्ला जमाली साहब का किया था, और सरदार अताउल्ला मैंगल का किया था, लेकिन ज़्यादा करने चाहिए। पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इजाज़त नहीं देती थी कि भाई यहाँ आ सकें, बहुत डराया जाता था, लेकिन ऐसी सूरत हाल अब नहीं है। अब मेरा ख़्याल है कि यहाँ काम करना चाहिए, कौमी चैनल सबको यहाँ आके कवरेज करनी चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों की, बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या ये खुला तजाद नहीं कि आप सिर्फ वफाक में ओहदे पाने वाले बलूचिस्तानियों के इंटरव्यू करते हैं? नहीं, वो तो खैर कोई ना कोई जवाब तो होता है ना किसी का इंटरव्यू करने का, यानी आपने किसी को अगर प्रेजेंट करना है तो उसके साथ कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए, ओहदा हो, कोई उसकी इनफरादियत हो, कोई वाकया हो, तो तभी लोग देखते हैं। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बलूचिस्तान पर तवज्जो होनी चाहिए थी और होनी चाहिए। आप का एक जुमला, क्या ये कुल्ला तजाद नहीं, और आपकी ऐनकें लगाना, क्या अगर ये ना हो तो आपकी शख्सियत अधूरी रह जाएगी? मेरा ख़्याल है कि हर बंदे की जो शख्सियत है, मेरे जैसे वो लोग जिनकी शख्सियत इतनी मज़बूत नहीं होती, तो वो अपनी शख्सियत के सहारे के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तलाश कर लेते हैं। तो मुझे भी बहुत पहले आदत पड़ गई है ऐनक की, और अब मैं अगर ऐनक के बग़ैर बाहर खुली फ़िज़ा में निकलूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया बहुत रोशन है। तो ये जिसको भी ऐनक की ये आदत पड़ जाती है उसको ऐसे ही लगता है, तो इसलिए ऐनक अब शख्सियत का हिस्सा बिल्कुल आप कह सकते हैं। लेकिन मेरी ये ऐनक सिर्फ धूप की ऐनक नहीं है, इसमें नज़र भी शामिल होती है, तो मैं प्रॉपर देखता भी इसी से हूँ, और सूरज से थोड़ी सी जो है बचत हो जाती है। और दूसरी बात जो आपने कहा, वो जो जुमला है, वो दरअसल जुमला तो शायद मेरा है, लेकिन असल में वो पाकिस्तान के लोगों पर, मेरे पर, आप पर, सब पर फिट आता है, क्योंकि हम तजादात का मजमूआ है। हम हमारी आदात में, हमारी सोच में इतना तजाद है कि अगर सबको उस लफ्ज़ तजाद में समोना चाहें तो बड़ी आसानी से समो सकते हैं। तो इसलिए शायद लोगों के दिल को लगा, क्योंकि हर एक को लगता है कि ये मेरे ऊपर ही है। आपने अदाकाराओं की भी बहुत इंटरव्यू किए, कौन सी अदाकारा इंटरव्यू आपको पसंद आया? देखें, अदाकाराएं जो हैं उनको लोग पसंद करते हैं, वो लोगों की फेवरेट्स होती हैं। मैं पहले कभी इस फील्ड में नहीं गया था, मेरा फील्ड ज़्यादा सियासी अमूर था, मैं उसी में रिपोर्टिंग करता रहा, उसी में वक्त गुजरा। लेकिन जब मुझे कहा गया कि आपने ये भी कवर करना है, तो फिर मैंने उनको स्टडी किया, उनकी आदात को, उनके तौर अतवार को, और एक नए तरीके से मैंने उनसे क्वेश्चनिंग और सवालों जवाब किए, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि हमारे प्रोग्राम को जवानों में बड़ी मकबूलियत मिली,
और बड़ी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, मसलन रीमा है, सना है, मीरा है, हर एक की अपनी खूबियां हैं। रीमा बहुत अच्छी मैनेजर हैं, मीरा जो है वो बहुत मेहनती हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, सना जो हैं वो खूबसूरत भी हैं और बहुत नॉर्मल भी, आम जिंदगी उनकी बड़ी नॉर्मल है। तो इस तरह हर एक की, मैं तो लोगों की खूबियां तलाश करता हूँ, मैं खामियां जो है वो नोट तो ज़रूर करता हूँ लेकिन हाईलाइट जो है वो ज़्यादा खूबियां करता हूँ, और मुझे लोगों की खूबियां बहुत अच्छी लगती हैं और मैं उनसे वो खूबियां सीखता हूँ। आपने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, कौन से शख्सियत के इंटरव्यूज़ आपको पसंद आए हैं? सच्ची बात तो यह है कि मैं हर शख्सियत से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाता हूँ, मेरे अंदर इम्प्रेस होने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, मैं तो आपसे भी मुतासर हूँ और इसी तरह जितने भी लोग हैं। लेकिन जो मेरे बहुत दिल के करीब इंटरव्यूज़ हैं उनमें वली ख़ान साहब का इंटरव्यू है, अजमल खटक साहब हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, नवाबजादा नसरुल्ला खान हैं, ये चंद इंटरव्यूज़ ऐसे हैं कि जो मेरे लिए भी यादगार हैं क्योंकि इन शख्सियात में बहुत खूबियाँ थी। बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए।